नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताज़ा खबर की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासोदा में प्रत्येक अमावस्या के अनुसार ग्राम निबोधिया बेतवा नदी किनारे स्थित श्री राम जानकी केवट राज मंदिर पर अखंड रामायण पाठ भंडारा एवं मंदिर निर्माण समिति के मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ समाज सेवी राजेश माथुर ने अपने जन्मदिन पर प्रभु श्री केवट राज का पूजा अर्चन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। साथ ही मंदिर प्रांगण स्थित ऑक्सीजन उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फलदार छायादार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया। साथ ही वही माथुर ने माझी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि माझी समुदाय आदिकाल से पर्यावरण प्रेमी व प्रकृति पूजक रहा है। वर्तमान में मंदिर प्रांगण में ऑक्सीजन उद्यान को विकसित करना इनका अनुकरणीय उदाहरण है। जन्मदिन के अवसर पर समिति सदस्यों ने राजेश माथुर का तिलक एवं पुष्प मालाओं से सम्मान करते हुए उनकी दीर्घायु के साथ स्वस्थ जीवन की कामना की है। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर इंदर सिंह केवट एवं आभार मुकेश रेखवार ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में माझी समाज सहित नगर के गणमान्य नागरिक में नगर के प्रमुख अनाज व्यवसायी सतीश अग्रवाल, पत्रकार नीतीश श्रीवास्तव एवं प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित रहे हैं। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।